जय श्री राम गाइस। आज है तारीख 26/4/2023, मतलब 26 अप्रैल। आज के दिन ही मेरी शादी हुई थी, आज हमारी सालगिरह है। आज कोमल वहाँ है चित्तौड़ और मैं यहाँ हूँ चिकाड़ा। पॉसिबल नहीं है मनाने का, पर देखते हैं क्या होता है। शाम तक अगर जाने आएगा तो मैं जाऊँगा, नहीं तो फिर यहीं से मनाएंगे। कैसे क्या सेलिब्रेशन रहता है, कैसे क्या होता है इसमें, तो वो सब देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है पेंडिंग, तो अभी मैं वो काम कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है, पूरा दिन कैसे निकलता है। कानू आज कहाँ पे गया तुमने, खाना खाने कहाँ गया? अच्छा, क्या खाया? पानी पूरी। सब्जी रोटी खाई। हाँ। और क्या खाया? क्या पता, कुछ तो खाया होगा, दाल बोली सब्जी। लापसी, लापसी खाई? लापसी खाई थी ना वहां पे। खाई खाई खाई। काम में हो गई, बज गई आज की रात की बज गई है 7:30। अब देखते क्या होता है, एनिवर्सरी भी मनानी है, क्या करें। विचार कर रहा हूँ चित्तौड़ जाने की, पर साथ नहीं मिल रहा है किसी का। एक आध का साथ मिल जाए फ्रेंड्स का तो मैं उसको लेके जाके आ जाऊँ। तो देखो, कोशिश करता हूँ किसी एक आध फ्रेंड को पकड़ के साथ में ले जाऊँ। ऐसा फ़ोन लगाता हूँ, एक को फ़ोन लगाया तो फ़ोन साला उठा ही नहीं रहा, हो दूसरे को फ़ोन लगाया है, देखिए वो तैयार हो रहा है, देखिए हो जाए तो फिर उस पर लेके जाता हूँ। हो गया हूँ रेडी जाने के लिए, अभी मैं जाके आऊँगा बहुत जल्दी, फटाफट वापस आना भी है, बहुत जल्दी वापस आना है। मतलब देख लो आप, 9 बज रही है, 11 बजे तक वापस आना है। देखो गिफ्ट तो कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। गानू बाय बाय, आइसक्रीम लेकिन ले लेके आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है गानू, हैप्पी एनिवर्सरी खानी है। ठीक है मैं लेके आता हूँ। कौन सी वाली खानी है? कौन लेके आना? कौन? ओके मैं लेके आता हूँ, बाय। निकल गया हूँ मैं 9 बजे, बस ध्यान से जाना है, ध्यान से आना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, बने रहो मेरे साथ भाई। गाड़ी लेने की जाओगे ना? देखो तो हम निकल गए थे 9 बजे, अभी पहुंचने वाले हैं बस आधे घंटे में। और वहां पहुंचने के बाद में क्या होता है, ये एक सरप्राइज प्लान है। कोमल को आज सरप्राइज मिलने वाला है, और सरप्राइज कैसा होता है ये आज उसको बताएंगे। ये हमारे भाई साहब है चिकाड़ा के जैन साहब, इनको मैं साथ में लेके जा रहा हूँ। हम आ गए चित्तौड़, ले लेता हूँ मैं एक केक। हम आगे बेकरी के ऊपर, ये बेकरी केक यहाँ से लेके, फिर यहाँ से हम जाएंगे सीधा घर पर। आ गए हम घर के बाहर, अब जा रहे हैं हम अंदर। अंदर चले हम, चलो चलें।
चला नहीं यार उनमें की आ गए हम घर के बाहर। हम आ गए लगन लगा मेरी एनिवर्सरी। तो कैसा लगा सरप्राइज? अनएक्सपेक्टेड था ये तो बिल्कुल। मेरे पास देखो और के बाद में पता चला कि इतने लोग यहाँ पे पहले ही हैं। बहुत ही शानदार तरीके से एनिवर्सरी मनाई। इतना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि भी ऐसी भी मन सकती है हमारी एनिवर्सरी। इस पूरे प्रोग्राम में एक मेंबर हमारे फैमिली का कम था। कौन कम था वो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे आने की तो थी नहीं, पर फिर भी मैं आया तो सब जने घर के सब मेंबर खुश हो गए। मम्मी मम्मी जी पापा जी कोमल तो और देखो देख रहे हो आप कैसी खुश हुई, नाचने लग गई थी वो तो। ये सामने जो तीन केक दिख रहे हैं उन तीन केक में से एक केक तो मेरा है, एक केक है प्रफुल्ल जी सोनी का, और तीसरा केक है हमारे वो अंकल जी जो खड़े हैं लास्ट में उनका। बहुत अच्छा केक लेके आए थे वो अंकल जी। मेरा केक तो सबसे बेकार केक था टेस्ट में, दिखने में ज़रूर सुंदर था थोड़ा बहुत। और बहुत मज़ा आया, सब जनों ने बहुत मस्ती की। भैया जीजू आप खाओ खाइए।
हाँ दोनों की प्रेजेंट लग जाएगी। अब हम निकल चुके हैं वापस पार्टी वार्टी अटेंड करके, लेट बहुत हो गए, 10:30 बज चुकी है। अब टाइम से घर पर चले जाएं तो 10:30 नहीं बज चुकी, 11 बज चुके, 12 बजेगी तब तो घर पर जाते जाते। कैसा लगा आपको ब्लॉग आप कमेंट में ज़रूर बताएं।